नमस्कार, क्रिकेट वर्ल्ड के सामने आज की बड़ी खबर। क्रिकेट जगत में इस समय संन्यास लेने का सिलसिला जारी है। इसी बीच एक और टीम के कप्तान ने ही संन्यास का ऐलान कर दिया। यूएई और नेपाल के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है, लेकिन इसी बीच यूएई टीम के टी20 के पूर्व कप्तान अहमद राजा ने रविवार को ट्वीट करते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने का ऐलान किया। वह यूएई के सबसे सफल कप्तान थे। उन्होंने अपने करियर में 28 टी20 में कप्तानी की, जिसमें टीम को 18 में जीत मिली। उन्हीं की कप्तानी में यूएई की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में क्वालिफाई किया था।